हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड फाइनल वीडियो द एक्सपेरिमेंट टीवी चैनल पर आ चुकी है। एंड अब तक तो शायद आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा और आपको विश्वास भी हो गया होगा कि छोटू जैसा दिखता है एक्चुअल में वैसा है नहीं। गाइस, द एक्सपेरिमेंट टीवी की इस वीडियो में एक ऐसा भी पार्ट है जहां पर खुद मेरी वीडियो प्ले हुई है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में। गाइस, कंट्रोवर्सी कैसे हुई, कैसे क्या बात हुई, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो पहले आप हमारी पिछली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। गाइस, वैसे तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस कंट्रोवर्सी में पूरी की पूरी गलती छोटू की ही है, लेकिन उस वीडियो में आप लोगों ने काफी कमेंट किए थे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये फेक न्यूज है, अल्फाज भाई ने छोटू को निकाल दिया है। लेकिन जब से द एक्सपेरिमेंट टीवी की वीडियो आई है तब से वापस उस वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे हैं कि भाई आप सही हो, छोटू ने धोखा दिया है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बनाता, बल्कि मैं हमेशा ही अपने ऑडियंस को रियल न्यूज देने की ट्राई करता हूं। और गाइस, अल्फाज भाई के इस वीडियो के अपलोड करने के कुछ ही समय बाद छोटू ने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई थी जिसमें लिखा था, गाइज मैं एस्टरडे में वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें आप देख लेना, अभी जो वीडियो बना मेरे ऊपर वो फेक है एंड मुझे गिराने के लिए ये सब कर रहे हैं, कल वीडियो में देख लेना। तो भाई, सबसे पहले तो छोटू की हिंदी तो कमजोर थी ही, लेकिन शायद इंग्लिश भी काफी कमजोर है। उन्होंने टुमारो की जगह पर एस्टरडे का यूज कर दिया और यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें गिराने की कोशिश करी जा रही है। तो भाई, आप तो पहले ही इतनी गिरी हुई हरकतें कर चुके हो कि अब इससे नीचे आपको कोई गिरा ही नहीं सकता। गाइस, अब आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि इन लोगों की तरफ से काफी सारी वीडियोस आएंगी, क्योंकि अभी तो इन्हें $100 भी कंप्लीट करने हैं, लेकिन अपने अल्फाज भाई शायद इस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे, तो इसमें गलती निकालने वाली कोई बात नहीं है। वे जल्द से जल्द इस कंट्रोवर्सी को एंड करना चाहते हैं और जल्दी तो वे कोई रिप्लाई वीडियो नहीं बनाएंगे। बाकी इधर से तो न्यूज कवर करने के लिए और रिप्लाई देने के लिए हम लोग तो हैं ही। गाइस, इस वीडियो के ठीक 11:00 पर आपने नोटिस किया होगा कि छोटू ने एक वीडियो प्ले किया था जो कि हमारी ये वाली वीडियो थी जिसे मैंने आज से 2 महीने पहले अपलोड किया था। आप इस क्लिप में देखिए, हमारे 4 मिलियन है, छोटू बोल रहा है, ठीक है, ये एक वीडियो दिखा रहा है उनको कि देखो मेरे तो इतने सारे फॉलोअर्स है, दिलराज भाई की टीम के जो मेंबर है ना, वो रॉयल बनना अकाउंट ऐसा कर कर है, चिल बाबा चिल, उनके 26 मिलियन सब्सक्राइबर है दिलराज भाई के, बट फिर भी उनसे ज्यादा फॉलोअर्स मेरे है, ये एक घमंड की बात हुई। गाइस, देखिए वापस से मैं आपको सुना। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक भी दिया है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताया था कि छोटू के इंस्टा पर फॉलोअर्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि रियल भी था, लेकिन मुझे क्या पता कि उसे अपने फॉलोअर्स का इतना बड़ा घमंड हो जाएगा। गाइस, इस कंट्रोवर्सी को लेकर पहली बार अपने अल्फाज भाई इंस्टा पर लाइव आए थे, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किंग के शिवराज भाई से एंड FWS के विजय भाई से भी बात किए हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यार, हमारे मतलब है ना, दिमाग ऐसे चकरा गया था, हम कुछ नहीं चाहते थे कि चलो थोड़ा दिन ब्रेक ले लेते हैं, तो हम यही चाहते थे कि थोड़ा सा इससे फ्री हो जाए, हम एक्शन लेने वाले भी नहीं थे कि वीडियो शूट कर ले इसका, बता दे सबको कि क्या सच है क्या झूठ, ये हम नहीं चाहते थे। अगर आज आप क्लियर नहीं करते ना, तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपके बारे में आ जाती मार्केट में, यूट्यूब में, कि भाई ऐसे ऐसे बंदे के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। हाँ, अब हमें तो इंतजार है छोटू की उस न्यू वीडियो का जिसमें वे फिर से एक नया ड्रामा करने वाले हैं। तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।